तब वो पूछना है कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हो, कौन से स्कूल, तो बोलेगी स्कूल, बोला कौन सा स्कूल, प्राइवेट में सरकारी, क्या बोलेंगे प्राइवेट, बोला प्राइवेट में कितना महीने का फीस लगता है, उस पर आ जाओ फीस, हजार लगता पागल हो, 1000 रुपया देती, इतना महंगा फीस भरती हो, ऐसे बोलना इतना महंगा फीस भरती, अरे सरकारी नाम लिखाओ, फ्री में पढ़ाई होती है, वही उसमें खिचड़ी भी देता है, कपड़ा भी देता है, जूता भी देता है, इतना महंगा 1000 रुपये महीने, मतलब एक साल का कितना हो गया, एक साल का 12000 रुपया भरोगी एक साल में, अरे उससे ज़्यादा यार बढ़िया है कि सरकारी स्कूल में फ्री में सारा कुछ होता है, खिचड़ी खिलाता है आपको, दाल भात चोखा खिलाता है, कपड़ा देता है, जूता मोजा देता है, अच्छा ये भी सीटी क्या बदल जाती है प्राइवेट और सरकारी में, अलग ये वाला लिखेगा प्राइवेट में, अलग लिखेगा सरकारी में, यही तो ये भी सीटी होता है ना, तो काहे नहीं है पढ़ाते, उसका सवाल उसी पे तमाचा, उसका सवाल उसी पे तमाचा, चुप हो जाएगी, दोबारा बोलेगी, ये समझ जाएगी मैं सिर्फ किसी बढ़िया आदमी से डरेगा, बोलने से पहले उसका जवाब मिल जाएगा, और जो उसके शरीर में अच्छा दिख रहा उसी पर सवाल उठा रहा, इतना जब वो बोलती है आपका सामान इतना महंगा साड़ी, इतना महंगा सूट, अरे इतना महंगा सैंडल खरीद लिया, बढ़िया है, क्वालिटी है, अच्छा है, गारंटी बोलना, वही तो हम बता रहे हैं, हमारा भी प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छा है, क्वालिटी है, हैं जो अब जो फायदा बताने लगे वो फायदा अपने प्रोडक्ट बताने लगे, चुप एकदम साइलेंट फन ऐसे, ठीक है, तो कल ये काम करिए, और अशरफ जी से बोलिए, सर जी आए थे, आप जितने लोग का लिस्ट, आपका भी जो लिस्ट आप तैयार होंगे लेडीज़ को, उसको बोलो मैं आपके पास आऊँगी, आपसे बातचीत करूँगी, आपसे विचार करूँगी, मैं एक काम शुरू कर रही हूँ उसके बारे में आपसे सलाह, एक लड़की बोल रही थी, वही लेडीज़ मेरी दीदी करी थी गाँव में, छोड़ दी, मैं बोली पहले कुछ और था, अब कुछ और है, पहले की बात को लेकर चलते रहेंगे तो फिर, अब उनको बोल रहा क्या, नमक खाना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिए हो, कपड़ा पहनना छोड़ दिए हो, लोगों से बातें करना छोड़ दिए हो, फिर कहाँ आरसीएम छोड़े, कर तो रहे हो, फिर तो कर रहे हो, आप आरसीएम से बाहर होके कर रहे हो, बाजार से आएगा सब, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया बता देना जरा, नमक खाना छोड़ा कि नहाना छोड़ा, साबुन लगाना छोड़ा, तेल खाना छोड़ा, लोगों से बातें करना छोड़ा, क्या छोड़ दिया बता देना जरा, कुछ नहीं छोड़ा, सिस्टम से आउट हो गए, बस बात कर तो रहे, वही ब्रांड छोड़ा, हाँ ब्रांड छोड़ा आपने, लक्स छोड़ के डिटोल लगा रहे हो, छोड़ा कहाँ, समझ गया, हाँ लगा तो साबुन नहीं, जब खा तो नमक ही रहे, नमक की जगह मिट्टी तो खाओगे नहीं, ये चीज ऐसा बोलोगे तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, और यही सीखना है, इसी का पैसा मिलता है, ये जो मैं बता रहा हूँ पैसा इसीलिए लेता हूँ मैं रॉयल्टी, यही रॉयल्टी लेवल है सामने वाले को, हाँ मान लो आप अपलाइन है, आप मान लो अपलाइन है, आप मान लीजिए आप प्रोस्पेक्ट है, ये हमको लेकर आपके पास आए, प्लान दिखाए, हम आए, अब हम आपको बताएं, आप बोले जैसे बोलती सामान महंगा, हमने सारा कुछ बताया, तो ये क्या बोलेंगे, इनका काम होगा आप, नसरीन जी ठीक है, हाँ ठीक है, जुड़ जाओ, एक ही बात बोलेंगे आप, जुड़ जाओ, ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं कोई नहीं सुना तो सोचूंगी, हाँ सोचूंगी, तो रुको ना, जब आप बोलोगे कभी नहीं सुना तो ये बोलेंगे मुस्कान जी हमको, सर जी आप बताइए इनको कोई नहीं सुना तो हम आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे लोग सुनेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, फिर ये पूछेंगे ना सुनेंगे आप, ठीक है सुनेगा लोग, हाँ सुन जुड़ जा लगा ले आइए, नहीं फिर तब तक आप बोलो जैसे आप क्या हो, आप नए व्यक्ति हो, वो मैं बता रहा हूँ, फिर आप नए हो तो फिर आप बोलोगे सर जी लोग कहते हैं सामान बहुत महंगा है, वो तो हो गया, अगर मेरा सामान नहीं बिका तो फिर हम बताएंगे, अगर आपने बोला कि अच्छा मैंने पूछ के बताती हूँ लोगों से, पूछ के बताती हूँ, फिर ये मुस्कान जी बोलेगी हमें सर जी इनको बताओ, लोगों से पूछेंगे उनको नहीं समझ में आया, फिर हम आपको बताएंगे ऐसे वैसे, किससे पूछोगी क्या क्या काम पूछ के कर करती हो, क्या खाती हो, कैसे पूछती हो, तो जब आप क्लियर हो जब नहीं पूछना नहीं चाहिए, मेरे अपनी ज़िंदगी मेरे अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा जब आप हो जाओगे सर्टिफाई हो जाओगे
तब ये पूछेंगे आपसे। नसरीन जी अब तो नहीं पूछोगे, ठीक है जुड़ जा। तीसरे आदमी को यही बोलना, ध्यान देना, जो व्यक्ति लेकर गया प्लाई को उस व्यक्ति को यही बोलना है, ठीक हो सही है जुड़ जा। आज लगा दे हम है तुम्हारे लगा। जब वो सवाल करे तो अप्लाइंस बोलो सर जी जवाब दीजिए, जब सर जी क्वालिफाई इसको कर दे सर्टिफाई हो जाए फिर आपको तीसरे को क्या बोलना जो, क्योंकि आप ये बात बोल सकते हो क्योंकि आपकी दोस्ती हमारी नहीं, हम सिर्फ बताने आए समझाने आए। जैसे हम किसी को लेके जाए आपको लेके जाए उनका वाला काम आपको करना, जैसे वो कोई सवाल जैसे आप किसी मान लीजिए ये खुशी है ये आपके मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रही है, वो औरत के पास मान लीजिए वो जो बोलते महंगा है, अब आप हम दोनों को लेके जा रहे हो या सर जी को लेके जा रहे हो, तो अगर वो बोलती है कि प्रोडक्ट महंगा है तो आप सर जी को बोलना सर जी इसका जवाब दीजिए, जो सर जी दे देंगे तो आप उनको पूछो अब तो जुड़ोगे ना, अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अब बोलेगी महंगा है ये है या फिर बोलेगी नहीं हमारा हम पूछ के बताएंगे घर वाले से सलाह लेंगे, सर जी को बोल देना सर जी आप इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर सर जी अपने फिर आप उनको पूछना क्या कहीं है आप जुड़ जाओ, जब हम उसको जवाब दे दे जब वो संतुष्ट हो जाए तब आप बीच में फिर बोला करो, ठीक है सही है लाओ आधार कार्ड लाओ। फिर जैसे ये बोलोगे फिर वो कोई सवाल मारेगा, फिर कोई सवाल बोलेगी, फिर आप बोलोगे सर जी अब इसका भी जवाब दे दो, इसका भी मतलब आंसर बता जवाब नहीं इसका भी उत्तर दे दो, उत्तर बोलना इसका भी उत्तर दे दो, तो फिर उसका भी हम उत्तर देंगे उसको देंगे जब वो संतोष हाँ ठीक है बढ़िया से। उत्तर के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ, आप बोलते हो इतना हिंदी बोलने के लिए मेरा तो दिमाग से निकल जाता है। आंसर जवाब नहीं कहना आंसर आंसर। ये सर जी बोलते हैं हिंदी वाला, अब इतना हिंदी बोलने के चक्कर में ना मैं अगला लाइन भूल जाती हूँ मुझे बोलना क्या था। आप जैसे बोलते हो बोलो ठीक है जवाब नहीं आंसर, फिर आप बोलना इनका आंसर दो उत्तर दो जवाब ही बोल दो कोई बात इसका जवाब दो सवाल। वही आज शुरुआत मोनिका था उसको पंजाबी और इंग्लिश आती थी हिंदी आता ही तो नहीं। हम फिर उसके सवाल का जवाब देंगे जब वो फिर से सर्टिफाई हो जाए हाँ आप सही फिर आप बोलोगे अब ठीक है आप कोई किंतु परंतु नहीं ना नहीं लाओ आधार कार्ड चलो संभाले जुड़ जाओ मैं हूँ तुम्हारे साथ जुड़ जाओ, मतलब जब हमारा उसका आपस में बहस खत्म हो जाए जब वो क्लियर हो जाए तब आप बोलना ठीक है अब संतुष्ट चलो लगा लो। उससे कोई बात करे भोजपुरी मस्त रहता है बात करना ठीक है ना, इस तरह करना है जब आप किसी के पास अप्लाई को ले जाओ हमारी जगह ये भी गई है तो यही काम आपको करना, जब इनसे वो सर्टिफाई हो जाए मतलब ठीक ओके है अब नहीं पूछूंगी तो आप बोलो जुड़ जाए लाओ आधार कार्ड लाओ लाओ लगाते हैं